कश्मीर के पंपोर में 27 घंटे से एनकाउंटर जारी। एक पीडीआई बिल्डिंग में रात को दो विस्फोट हुए, 2 से 3 आतंकी घुसे। सुरक्षा बलों ने इमारतों को चारों तरफ से घेरा। आज से आरएसएस स्वयं सेवकों ने नई ड्रेस पहननी शुरू की। खाकी हाफ पैंट की जगह भूरे रंग की फुल पैंट में दिखाई दिए भागवत, फडणवीस और गडकरी। नागपुर में शस्त्र पूजा भी हुई। विजयदशमी पर आज लखनऊ जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शाम 6 बजे ऐशबाग की रामलीला में होंगे शामिल, लोगों को संबोधित भी करेंगे। दशहरे और दुर्गा पूजा के लिए दिल्ली में ट्रैफिक रूट में बदलाव। मंदिर मार्ग, पंचकुया रोड, कनॉट प्लेस, आउटर सर्कल, मिंटो रोड समेत कई रास्ते 1 बजे से 5 बजे तक रहेंगे बंद। एबीजी शिपयार्ड के खिलाफ स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने दर्ज कराई शिकायत। प्रमोटर्स ने बैंक का 200 करोड़ का लोन नहीं चुकाया। सरकार की कोशिशों के बावजूद बैंकों के एनपीए में बढ़ोतरी जारी। 6 महीने में 15% की बढ़ोतरी। जून में 13,800 करोड़ डॉलर के पार पहुंचा बैंकों का एनपीए। लगातार दूसरे महीने नेगेटिव में आईआईपी ग्रोथ। अगस्त में -2.5% से बढ़कर -0.7%। ऑनलाइन शॉपिंग का एक और मौका, कल से शुरू होगी स्नैपडील की सेल। इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन, होम प्रोडक्ट्स पर मिलेंगे डील्स। तिहत्तर साल के हुए बॉलीवुड के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन घर के बाहर, बधाई देने वालों का लगा तांता।